अरविंद केजरीवाल वालों अच पटियाला विखे शांति मार्च कढ़िया जा रहा। तुसी देख सकते हो कि किस तरह जेडे आप दे वलंटियर ने उन्हां दी भीड़ उमरी हुई हैगी ते वड्डी गिणती दे विच लोग इत्थे पुज्जे होए ने। अरविंद केजरीवाल वालों जेड़ा ये शांति मार्च कढ़िया जा रहा उसनू भाईचारक सांझ दा नाम दिता होया। पंजाब दे विच जिस तरह चोणां समय वख वख जो पिछले दिनी लुधियाना विखे एक बंब धमाका होया सी उसनू शांतिपूर्वक जो पंजाब विच शांति आपसी भाईचारा बना रहे उसके तहत ही अरविंद केजरीवाल अज पटियाला विखे पुजे हुए ने। अरविंद केजरीवाल पैदल तुर के लोगों के बीच ही पहुँच रहे हैं ते तुसी देख सकते हो किस तरह जिहड़ा आम आदमी पार्टी के वलंटियर ने उन्हां विच भारी उत्साह पाया जा रहा। पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों को इकट्ठा होना पड़ेगा और आज मुझे बड़ी खुशी है। इतने हजारों हजारों दूर तक मेरे को दिखाई दे रहे हैं, झंडे ही झंडे दिखाई दे रहे हैं। आज यहाँ हजारों पंजाबी इकट्ठे हुए हैं। ये हजारों हजारों लोग अपने हाथ में तिरंगा लिए हुए उन 3 करोड़ पंजाबियों की तरफ से उन शक्तियों को, पंजाब के दुश्मनों को संदेश देना चाहते हैं कि हम तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब का माहौल खराब नहीं होने देंगे, हम पंजाब का भाईचारा खराब नहीं होने देंगे, हम पंजाब की शांति खराब नहीं होने देंगे। इन लोगों को जो मर्जी करने दो, अब हमें पंजाब की सत्ता जनता के हाथ में देनी है। जनता निर्णय लेगी और पंजाब सरकार उसी के हिसाब से चला करेगी। दोस्तों, आज मुझे बड़ा दुख है, पूरी की पूरी पंजाब सरकार, इससे कमजोर सरकार आज तक कभी नहीं आई। आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, इनको किसी को पंजाब की परवाह नहीं है, पंजाब के माहौल की परवाह नहीं है। कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, वो कह रहा मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहा मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहा मैं सीएम बनूंगा। सीएम की लड़ाई चल रही है, कुर्सी की लड़ाई चल रही है, पंजाब की चिंता किसी को नहीं है। इतनी कमजोर सरकार आज तक मैंने कभी नहीं देखी। आज ये पंजाब सरकार पंजाब के अंदर शांति बहाल करने में नाकामयाब है। आने वाले चुनाव में पंजाब सरकार पलटनी है और एक ईमानदार सरकार लेके आनी है, ईमानदार पार्टी की सरकार बनानी है। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।